आज मित्रों डीटीए भागलपुर आप सभी मित्रगणों का हार्दिक अभिनंदन मानचित्र वाली दमदार कक्षा में। आइए कर लो का मुंह ना देखिएगा, ए देखिए मुंह, अय्या ए आओ ए न है हां हेलो हाँ जी। चलिए अब कक्षा तो देख लिए ना, अब देख लेते हैं मोरी कौन क्या कर क्वेश्चन मौके सक्षण मौके। पहला प्रश्न, योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड वाई। देखिए आपका घर एक्स पर स्थित है, घर को क्या एक्स बोला गया, आपके विद्यालय वाई पर स्थित है, विद्यालय वाई पर स्थित है, विद्यालय का नाम वाई है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने परंतु व्यस्त राजमार्ग है तब बकवास वाला एक दो लाइन देता है, फालतू में आपको वो पढ़ना नहीं है, समय बचा लेना है। अतः आप मेरे ठीक उत्तर में 100 मीटर। देखिए घर है एक्स, घर एक्स इसके उत्तर में जाना है, इसके उत्तर में चले जाते हैं, उत्तर है ऊपर 100 मीटर, 100 मीटर उत्तर में चले गए। फिर आप ठीक पश्चिम में 75, तो पश्चिम बताए थे ना अभी कि 75 मीटर इधर होगा पश्चिम, ये 75 मीटर हो गया, 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हुए, छोड़िए ना क्या पार कर रहे हैं नेपाल करके। फिर आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में, दक्षिण नीचे, इसके नीचे 100 मीटर जुग जुग कौन कोना पहुंच गया वाई यानी अस्पताल। तो कहते हैं वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स आपका घर कहाँ है, तो वाई के सापेक्ष पूरब में कितना दूरी, तो 75, यहाँ पर ऐसे जाइएगा 75 मीटर, 75 मीटर, ये देखिए 75 मीटर आपका उत्तर हो गया, मार दीजिए 75 मीटर ठीक पूरब में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्त, कहता है प्रश्न कि एक डॉक्टर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, अस्पताल का नाम क्या है वाई, ठीक अस्पताल वाई एक्स है। डॉक्टर के अस्पताल से सीधी सड़क में, ऐसे प्रश्न में सीधा सड़क में जाता है, सुरंग है, फला है, ढिकनवा है, मौसिया सास के ससुराल है, लुतनिया के घर है, उससे कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, घर जो एक्स है ना, ये देखिए एक्स यहाँ दे दिए, एक्स घर है, ए पर जाते हैं और ए ना एक्स के ठीक पूरब में, तो दोस्त तुरंत पूरब की तरफ मुंडी घुमा देना है, इधर ए पर पहुंच गया 500 मीटर दूरी पर। फिर वह बी पर जाते हैं, बी ना ए के ठीक दक्षिण में, ए का दक्षिण नीचे होगा 400 मीटर, पहुंच गया बी पर 400 मीटर दूरी पर। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर, बी के ठीक पश्चिम में 90, बी का पश्चिम इधर होगा, ये 90 मीटर लाइने ना, आपको छोटा बड़ा डिफरेंस करना है, 500 मीटर बोला बड़ा खींच लिए, 400 थोड़ा छोटा, 90 बहुत छोटा, ये आपको दूरी पता करने में मदद करेगा। अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं, अस्पताल पर पहुंच गया जाएगा, अस्पताल जो कि एक्स के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी, एक्स देखिए सी का उत्तर ऊपर होगा 80 मीटर, ये हो गया वाई यानी अस्पताल डॉक्टर वा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वाई के सापेक्ष, तो
तो वाई के सापेक्ष पूछेगा, तुरंत ऐसे मुड़ी देख लेंगे इधर से ऐसे। एक्स के सापेक्ष पूछेगा, तुरंत ऐसे देख लेना है आपको। आइए मित्रों, पूछ क्या रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष अर्थात इसके सापेक्ष ऐसे ऐसे ऐसे, ये डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में आपको तीर देखिए ना, हमारे नौकरी करने है, ललकी बुझ रहे हैं, आई खाली पुछड़िए बुझते हैं, डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। अब देखिए अपन क्या बात बोले हुए थे कि आपको डायरेक्शन पुट कर लेना है, डायरेक्शन वगैरह पुट कर लेना है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये उत्तर ये दक्षिण ये पूर्व ये पश्चिम, यही ना बीच वाला आपका, ये होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर नॉर्थ, इस तो पूर्व होता है, नॉर्थ वेस्ट माने पश्चिम, टू नंबर उत्तर होगा, क्या नहीं बुझे, अच्छा से देखिए ना, गप्पे नहीं है बुझने वाला, अब छुट्टे एकदम भाड़ा पे दिमाग लेकर के एकदम ऐसे काम कर रहे हैं। ये देख लीजिए प्रश्न, हाँ प्रश्न ना हिंदी करना है हो, ठीक है ये किसी ट्रेन के मार्ग में समय सारणी दिया गया है, इतना नगर कोयल एक्सप्रेस पहला दिया गया है, गांधीधाम क्रम संख्या एक क्रम संख्या चार, 16-15 गांधीधाम मैंने यहीं से खुलती है 0 किलोमीटर। उपरोक्त टेबल के अंतर्गत गांधीधाम और गुजरात के सूरत के बीच की औसत चाल, गांधीधाम और सूरत, तो गांधीधाम देखिए दोस्त, गांधीधाम यही 6-15 और सूरत, ये प्रश्न अधूरा है कि सूरत पहुंच रहा है 16-15 6-15 से 16-15 16-15 का मतलब शाम का समय 4:15 तो 6:15 से 16:15 पक्का पक्की 10 घंटा पक्का पक्का 10 घंटा 10 घंटे आपका समय। और समय ये दूरी जो दिया गया है ये 530 किलोमीटर, तो देखिए दोस्त चाल आपका क्या होता है सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी बटा डिस्टेंस बाय टाइम, तो 530 में भाग दे दीजिए ना 10 से कैंसिल, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही जब मीटर प्रति सेकंड में पूछे आपका तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 18 नहीं कट रहा है कोई बात नहीं है, 53 से 5 को गुना करेंगे फिर 18 से भाग दे देंगे, बट यहाँ तो दिया गया है उत्तर किलोमीटर प्रति घंटे में, 3 नंबर उत्तर। नेक्स्ट आइए बनाइए तो प्रश्न, आपका अगर एक्सप्रेस आपका विद्यालय, वही जो है ना विद्यालय का नाम दिया गया, अपने विद्यालय पहुंचते ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं, आप एक्सप्रेस स्थित हैं, एक्स आपका घर हो गया, इसका उत्तर जाइए कितना 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब कोई दिक्कत है कि नहीं को ऐसे प्रश्न में, तो पिक्चर ड्रॉ कीजिए, ठीक उत्तर दिशा में चले गए 3 किलोमीटर, फिर ठीक पूरब में 4 किलोमीटर, पूरब में जाइए 4 किलोमीटर, पूरब में तुरंत आपका हाथ घूमना चाहिए, पूरब गए इधर पश्चिम गए तुरंत एकदम पम्मा हाथ की तरफ बबलेटरा टगर खाई का हाथ, और नीचे जाइएगा नीचे चुड़चुड़िया के दुकान है
नीचे गए तो दक्षिण, ऊपर पिंगले चल जाना है सबको एक ना एक दिन, उत्तर हो जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखें। पूरब दिशा में 4 किलोमीटर चले गए, वाई पर आपके विद्यालय, ये एक्स था ये वाई हो गया, वाई सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी, ये देखिए यही तो आपको निकालना है। सुनिए ना, अब आइए प्रश्न। ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई, ये बड़ी वाली लंबाई है और कहता क्या है ना, वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष, ये विद्यालय है वाई, और विद्यालय के सापेक्ष ऐसे डायरेक्शन देखना है। यदि इसका दिशा आपसे पूछ ले वही लोलकी पे मुड़िया पर, मुड़िया रोबोट दीजिए, उत्तर दक्षिण, ये पूरा विपश्चिम, ये बीच वाला दक्षिण, ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम होगा, क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये खाली दक्षिण, यही तो हमारा उत्तर होगा। अब दूरी निकाल लेते हैं, देखिए दूरी कैसे निकालते हैं। ये है कर्ण, त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो हमारा, अब देखिए कर्ण बराबर ये जो स्क्वायर है ना उधर भेज देते हैं तो रूट अंडर, अब लंब देखिए लंब, ये आपका शीर्ष लंब जो लंबी है 4, आधार 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं पहले ये बताइए, तो 4 × 16 3 किया, चूंकि वर्ग मूल ना निकालना है दोस्त, इसी प्रकार यहां पर 2 नहीं कुछ दिया है तो 2 रहता है वर्गमूल, नहीं तो करनी 3 का दे देगा, नहीं तो 4 का देगा, तो 4 का जोड़ा निकालते हैं, 3 का जोड़ा निकालते हैं, यहां वर्गमूल 2 का जोड़ा। अब देखिए 16 को जोड़ दीजिए 25, 5 × 5 = 25, तो 5 निकल गया कर्ण आपका, तो 5 किलोमीटर है यहां से यहां तक भुजा की लंबाई यानी दूरी 5 किलोमीटर है, और दिशा तो आपने देख ही लिया दक्षिण पश्चिम, उत्तर हो गया 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। बड़े आगे ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। यस, और बेहतरीन कहता है, अ टूरिस्ट बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 12/10 यानी 12 अक्टूबर 2021 फ्रॉम गांधीधाम, पहुंच कब रहा है देखिए 14 तारीख को, मेरा कहना है 12 को चला 14 को पहुंचा, तो बीच में तो 13 तारीख, 24 घंटा पूरा का पूरा लेंगे ना, 24 घंटा पूरा का पूरा लेंगे। माय डियर बुझे बात को, यहां 12 से कखन चला हो, 12 22 30 में चला, 22 30 तो 24 तक जाइए तो 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट यानी 22 30 से यदि रात का 24 जो होगा तो 1 घंटा 30 मिनट दूरी है, तो वो समय और सीधा सीधा 22 30 में पहुंच रहा है 22 30 घंटे, 13 तारीख वाला कितना 24 घंटा टोटल, 13 तारीख कहां गया, बीच से मिसिंग है, बोले तो 12 तारीख को ट्रेन चली 14 को पहुंची, 13 तारीख में पूरा का पूरा 24 घंटे लेंगे, मिनट क्या लिख दिया हो, सब करते हैं गुरघंटाली जो बोकारी, हाँ 22 30 बजे नगर पॉइंट पहुंची,
तो रात के 10:30 में सीधे 22:30 ले लें, 22 घंटे 30 मिनट सबको प्लस करते हैं, तो 22:30 में 1 घंटे 30 मिनट दीजिए 24 घंटा, 24 48। सर क्या निकाल रहे हैं ए दोस्त? देखिए ना, पूछ रहा है चाल, पूछ रहा है तो स्पीड पूछ रहा है, तो चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मेरा कहना है प्यारे भाइयों एवं उनकी बहनों, हमर ने समैया न निकाले में लागत जी, यह समय निकाले हम, दूरी तो कते ले है 2592, तो दूरी के जगह 2592 बैठाइए, समय 48 घंटा निकलिए गया, लड़की चौंक के भागा दे दीजिए, निकलिए 6 8 48 6 2 12 6 3 18 6 2 12 फिर कटाइए 8 से निकलेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में यदि है ऑप्शन मौजूद तो ठीक, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए ये 54 है ना, इसी को गुना कर लीजिए 5/18 से, ये जो 54 है ना, कैसे निकला 5/18, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। 00 कैंसल, 20 66 36 और इधर 25 10 23 6 23 6 कैमरा काटेंगे हम, आज 6 18 ये कितना हो गया 54 और ये 5/6 18। अब कटाइए 18 54 तीन बार में कट गया, अरे इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होता है, बहुत लोग नीचे नीचे कटाने लग जाते हैं क्या, नहीं अपना नीचे रखिए कुछ नहीं है 1 जरूर है। 5 3 15 तो 15 मीटर प्रति सेकंड आया, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया, प्रति में सेकंड आ गया। यही आपको इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, कुछ नहीं करें 15 को 18/5 से गुना कर दें, बड़ा वैल्यू पूछे तो बड़का 18/5, छोटा पूछे तो 5/18, उत्तर मिल चुका है हमारा 15 मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्त देखिएगा 54 भी होगा, 54 भी दिया होगा आपको तीसरा ऑप्शन में दिया है ना, चौथा ऑप्शन में लोग फरवरी में इसी को मारेंगे और हो जाएगा कला, जाएंगे जाएंगे अपन वाला के घर, अब पता चलेगा दोसर वाली के घर ठीक है, इधर है स्लाइड, चलिए ठीक है, एक और नंबर बुझ गए आप लोग, अब देखिए अगला क्वेश्चन 29 सितंबर 2019 को कब पहुंच रहा है, 1 अक्टूबर को, मेरा कहना है सितंबर में कितना महीना का दिन, कितना दिन ऐसे उच्चल लियो उच्चल भनी 30 दिनों, समझदार है, उच्चा 31 दिन और लिया नीचे 30 दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 दिन, सितंबर गड्ढा में आया, गड्ढा में आया 30 दिन, तो 29 के बाद 1 30 दिन 30 सितंबर भी होगा, 30 सितंबर भी होगा और 30 सितंबर में पूरा का पूरा, हाँ जी बोलिए, हाँ हमारी बैच फुल हो चुकी है, माफी चाहेंगे सर 1 घंटे बाद
पूरा 24 घंटे होगा 30 सितंबर को, तब ना 29 के बाद 30, तब ना 1 अक्टूबर आएगा। ये 24 घंटे आपको प्लस करना होगा। सर क्या निकाल रहे हैं? टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि 4 बराबर दूरी बटा समय। और दूरी आपका दिया गया है, दूरी 2200 इधर है, 2200 किलोमीटर। तो समय या नहीं निकाल लीजिएगा। हेलो, समय नहीं निकलेगा। देखिए दोस्त, तो 29 सितंबर दिया गया है, कब? 20:45 रात के, 20:45 शाम का, 20:45। तो 24 रात का जो 24 बचेगा, बजेगा 24 बजे तक। ऐसे सोचिए जैसे कि शाम में ना 8:45 हो रहा है, 20:45, 24 घंटे वाली घड़ी ना अंतरराष्ट्रीय घड़ी होती है, ठीक है? तो 20:45 है ना, तो रात के 24 घंटा में घटा ही है ना, कितना भैया? 3 घंटा 15 मिनट, 45 में 15 दीजिएगा 1 घंटा पूरा, तो 3 घंटा 15 मिनट, तो 3 घंटा 15 मिनट। और ये 12:45 जोड़ लीजिए, 12:45 में 3 घंटे यानी कि 3:15 जोड़िए, तो 45 15 कितना हुआ? 60, और 12 3 15, और 1 जो 60 हुआ था, 16 घंटे इधर हो गए। और 29 सितंबर, ये 30 सितंबर वाला 24 घंटा पूरा का पूरा, 16 और 24 प्लस कीजिए 40 घंटे, 16 होगा सर, 40 घंटे। अब देखें औसत 4 पूछ रहा है, 4 बराबर दूरी बटा समय, 4 बराबर दूरी 2200, और समय निकला 40 घंटे। कैंसिल, 4 से कटाइए, 4 5 20 और 4 5 20, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखेंगे, यदि मीटर प्रति सेकेंड है तो दोस्त कुछ नहीं करना है, 55 × 5/18 कर देना है, ये निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तब यहाँ तो किलोमीटर में दिया गया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 नंबर उत्तर, ये आपका 3 नंबर। बढ़े आगे, समय निकालने में आपको दिक्कत होती होगी तो मन की आंखों से सोचें, कैलकुलेट करें। एक कार एक शहर से 7:30 सुबह का समय है, क्योंकि 12 के बाद 13, 14, 15 रहता है ना, आप कहते अपराह्न है, ये सुबह का समय है। वाई पर 22:30 यानी रात के 10:30 अपराह्न पीएम में पहुंचती है, तो दोनों का दूरी कितना होगा बताइए? 7:30 से 12 बजे तक जाइए, 7:30 से 12 दोपहर के 12 बजे तक, तो कितना समय? 12 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30 और उधर आपका 30 मिनट, तो 4 घंटा 30 मिनट। और डायरेक्ट पूरा ले लीजिए, 10 घंटा 30 मिनट, 10 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब 10:30 ना हुआ। ऐसे भी सर 22:30 में सर डायरेक्ट में 10:30, तो 10 × 4 = 14 और 1 × 15 कितना? 15 घंटे। अब डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, 22:30 इधर दिया गया है, इसमें घटा लेते हैं 7:30 को, कितना आया? इधर 15, तो 15 घंटे निकल गए समय, और दूरी तो आपका दिया गया है 5:40, तो भाग दे दीजिए ना, चाल पूछ रहा है स्पीड, 4 बराबर दूरी बटा समय, मतलब
15 या 45 और 36 क्या निकला? किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्त यहाँ सारे ऑप्शन मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, इसीलिए बताए थे ना आपको कि करना क्या है, 5 बटा 18 से गुना। तो 18 3 54 18 2 36 और ऊपर ऊपर गुना 5 और 2 से 10 आ गए आपके उत्तर। बुझाया प्रश्न हो? गांधीधाम कच्छ गुजरात। हाँ निकालिए कितना आ जाएगा, कितना प्रतिशत वृद्धि। अष्टमी 12% और 11%। कुछ नहीं कह रहा है ना दोस्त कि डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि। ये देखिए आपका ये डीजल वाला कॉलम है 2020 में और 2021 में फिर इतना रुपया डीजल देखिए ना, और पेट्रोल इतना 81 में 92, 92 में 81 घटाइए कितना, और फिर 102 में 90 घटाइए कितना 12। ये मैं क्या कर रहा हूँ, पेट्रोल पहले 92 था फिर बढ़कर 102 हुआ, कितना बढ़ा 10 रुपया, लगभग 10 रुपया 12 पैसा। और 81 से 90 9 रुपया, 81 से 90 9 रुपया। 72 माइनस 81 आप बटे कर देंगे 81 सर गुना 100। हाँ लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत यानी वृद्धि प्रतिशत और हानि प्रतिशत कमी प्रतिशत निकालेंगे। क्या होता है सूत्र प्रॉफिट परसेंटेज का निकालने का, प्रॉफिट लाभ गुना 100 प्रॉफिट बाय 100 इंटू बटे में सब करें मुझे पिछला वाला प्रॉफिट बाय सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो वास्तविक फिक्स था। जैसे निकालना है यदि हमें कितना बढ़ गया 9 रुपया, ये कितना 9 रुपया बढ़ा ना, 9 रुपया 72 पैसा बढ़ गया है। और नीचे क्रय मूल्य यानी जो वास्तविक था उसका 81 और 100 से गुणा, यही ना होगा। और इसमें यदि बात करेंगे हम बढ़ा है दाम तो प्रॉफिट परसेंटेज वाला सूत्र लगा देंगे। उसको अगर नहीं समझ पाए ना सर तो 90.72 माइनस 81 करेंगे सर। ओ उतना कर लिया, इतनी कर दे 81 इनटू कर देंगे बेटा 92 और गुना 100। अब निकाले इसको कटाएंगे पॉइंट उड़ाइए तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12% इसको करेंगे तो 11%। और दोनों में तो वृद्धि हो रही है ना, क्रमशः पूछ रहा है 12 और 11। बुझे नहीं बुझे तो बुझना है नहीं। हाँ जी बन गया 75 मीटर केकर मुतरवा। अरे जान हो रहा है जी तोरछिया हो नीरज साहब। 50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो मम्मा चुप करवाती है। बच्चा बोलता है ना चुप हम ना होए पहले पापा का नाम बताओ। बोलती है मम्मा चुप हो जा बेटा चाचू आएगा तो नाम पापा का पूछ के बता दूंगी। तेरे नंबर निकाल लीजिए तब तक क्वेश्चन बनाए हटा बनाए करिएगा अपने से। हाँ हटा लिए बात बुझाइए दिया है
कुर्सी आपका मिलते हैं अगली कक्षा में। ये झूठो परेशान करे वाला बुद्धि लगाते हैं जी। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अच्छा नहीं लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कहना दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।